यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको भेजा है, यदि सच में हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, यदि हमें ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में असफल नहीं होगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। टाइम जरूर लगेगा, आपको कठिनाइयों से होकर जरूर जाना पड़ेगा, शायद विपरीत परिस्थितियों से होकर जाना पड़ेगा, परंतु आप असफल नहीं होंगे, अंत में विजय आपकी ही होगी। मूसा को परमेश्वर ने भेजा और मूसा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ा, यहां तक कि जिन लोगों को वो छुड़ा रहा था वही लोग उसके विरोधी हो गए। परंतु उसे पता था कि मुझे किसने भेजा है, उसे इस बात का पता था कि मुझे परमेश्वर यहोवा ने भेजा है, जिसका नाम मैं हूं है उसने मुझे भेजा है, और वही सब कुछ पूरा करेगा। और आप और मैं इस कहानी को अच्छे से जानते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों से होकर जरूर गुजरा, लेकिन परमेश्वर उसके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर था, परमेश्वर उसके संग संग चलने वाला परमेश्वर था, और परमेश्वर की उपस्थिति जीवन भर मूसा के साथ में बनी रही। परमेश्वर ने मूसा को कभी भी छोड़ा नहीं, चाहे उसे कैसी भी विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरना पड़े, और अंत में मूसा की विजय हुई। मूसा फेल नहीं हुआ, मूसा असफल नहीं हुआ, मूसा विजयी हुआ, और अंत में उसने अपनी मंजिल को हासिल किया। मेरे प्रियों, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हम लोगों से कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? यदि तू धीरज रखे तो हो सकता है जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, परंतु उन परिस्थितियों में भी मैं तेरे साथ में बादल का खंभा बनकर और आग का खंभा बनकर तेरे साथ साथ में चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो परंतु मैं तेरे साथ में हूं, और अंत में हम सब लोगों की विजय होगी, हमें से कोई भी असफल नहीं होगा, चाहे हम कोई भी हैं, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, परंतु हम में से कोई भी असफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें सफलता देता है, परमेश्वर है जो हमें हमारे जीवनों में आशीषों को भेजता है, और वो हमारे साथ में है। आज अपने आप को आप जांचें, अब आज अपने आप को परखें, क्या परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या तुझे इस बात पे विश्वास नहीं है? हमें से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं आता है तो परमेश्वर को भला बुरा कहने लग जाते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो निर्दयी है। एक फोन आया हमारे पास कि जब मैं मर जाऊंगी तब परमेश्वर सुनेगा। डाउट, संदेह है परमेश्वर के ऊपर, विश्वास नहीं है, धीरज नहीं है। यदि आपको धीरज है, विश्वास है, आपको कठिन परिस्थितियों से होकर जाना तो पड़ेगा, परंतु परमेश्वर आपके साथ में होगा, बादल का खंभा बनकर और आग का खंभा बनकर वो आपके साथ साथ में चलेगा, और अंत में आपको दूध और मधु की धाराओं बहने वाले देश में लेके जाएगा, आपको विजयी दिलाएगा, वो आपको अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, आपको बीच सड़क में बीच जंगल में नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग संग रहेगा और अंत तक आपके साथ में अद्भुत कार्यों को करता रहेगा। जरूरत है तो आज अपने आप को जांचने की, क्या सच में परमेश्वर ने मुझे भेजा है? क्या आपको इस बात पे भरोसा है कि मुझे बुलाने वाला यीशु मसीह है? क्या आपको इस बात पे भरोसा है कि मुझे चुनने वाला यीशु मसीह है? क्या आपको इस बात पे भरोसा है मैं जहां पर भी हूं परंतु यीशु मसीह की इच्छा से मैं यहां पर हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं परंतु यीशु मसीह की इच्छा से मैं यहां पे काम कर रहा हूं? क्या आपको इस बात पे भरोसा है? यदि आपको इस बात पे भरोसा है कि उसने आपको भेजा है, तो आपका बुलाने वाला, आपका भेजने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जगत के अंत तक आपके साथ में रहेगा, बादल का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर आपके संग संग चलेगा, आपको वो जंगल में रास्ता दिखाएगा, आपके लिए निर्जल भूमि में वो जल की धाराएं बहा देगा, और आपको रात में भी, अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाएगा। यदि आज सुबह आप इस बात पे क्लियर हैं कि सच में मेरा बुलाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, वो विश्वास योग्य है, आज परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर का ये सवाल हमारे जीवन में आता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यदि सच में परमेश्वर ने हमें भेजा है तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हमें रहना पड़े, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हमें जीवन जीना पड़े, परंतु मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो हमेशा हमारे साथ में है। मेरे प्रियो, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है
तो सच में आपको बुलाने वाला यीशु ही है, आपको चुनने वाला भी यीशु ही है, और आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको भेजने वाला भी यीशु ही है।